हाय एवरीवन दिस इज़ प्रतिभा एंड यू आर वाचिंग अनलॉक क्रेविंग्स आज एक ऐसी डिश की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे तिब्बत नेपाल और साथ ही हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बहुत ही शौक से खाई जाती है और वो है मोमोज इन बेसिक मोमोज़ को मैंने कुछ अलग अंदाज में बनाया है और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ इसे ट्राई किया है तो चलिए मेरे साथ बनाइए इन अलग अलग टाइप के मोमोज़ को यहाँ मैंने एक कप मैदा लिया है और इसमें हाफ टी स्पून से भी कम नमक जो है ये मैंने डाला है इसमें और इसके बाद में इसमें वन टीस्पून के अराउंड जो है कोई भी आप ऑयल डाल सकते हो घी डाल सकते हो कोई भी चीज़ डाल के और इसको हमें पानी से इसका आटा गूंदना है हमें ये आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है हल्का सा टाइट ही गूंदना है क्योंकि जब हम मोमोज बेलेंगे तो अगर सॉफ्ट होगा आटा तो वो गुलम करेगा अब यहाँ ये यह आटा मेरा गुन गया है इसे हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे लपेट के रख देंगे इस आटे से हमारे आठ से दस मोमोस जो हैं आराम से बन जाएंगे यहाँ एक पैन में थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है और इसमें ये अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया है इसे अब हल्का सा ही भूनना है ब्राउन नहीं करना है और ये भून गया इसके बाद में एक एक करके इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे यहाँ मैंने ये बीन्स डाल दी हैं इसे आधे मिनट तक सॉटे करने के बाद में यहाँ मैंने इसमें हरा प्याज डाल दिया है यानी कि स्प्रिंग अनियन डाल दिया है और इसे भी इसी तरह से तीस चालीस सेकेंड तक इसे सॉटे करेंगे और इसके बाद में इसमें गाजर डालेंगे और इसे भी हल्का सा सॉटे करेंगे और अब ये देखें हल्का हल्का सा ये सॉटे हो गई है थर्टी फोर्टी सेकेंड्स के अराउंड इसको और हमने कर दिया है अब इसमें शिमला मिर्च या कैप्सिकम डाल दिया है और इसे भी हल्का सा सॉटे करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसे बस दस बीस सेकेंड्स तक ही इसे हमें सॉटे करना है और इसके बाद में इसमें पत्ता गोभी या कैबेज को ऐड करेंगे और इसे भी हल्का सा ही सॉटे करेंगे हमें तो सब्जियों का हल्का सा पानी निकल जाए बस उतना ही हमें सॉटे करना है और इस टाइम पे गैस को फुल पे ही रखेंगे और अब देखेंगे सॉटे हो गई है और इसके बाद में इसमें नमक डाल देंगे नमक जो है वो अगर आप स्प्रिंकल करके डालते हैं यानी कि छिड़क के डालते हैं तो नमक हमेशा परफेक्ट होता है यहाँ इसी स्टफिंग को लेके मैं तीन चार तरह के मोमोज़ बना रही हूँ अगर आप इसमें सॉसेस वाले यानी शेज़वान और मंचूरियन वाले मोमोज बनाएंगे तो नमक जो है वो हल्का रखें स्टफ़िंग में नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सॉसेस में हल्का सा नमक होता है और अगर आप स्टीम्ड मोमोज बना रहे हैं तो नमक जो है वो नॉर्मल रखें उसमें कम रखने की ज़रूरत नहीं है अब ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है वो पूरी तरह से रेडी हो गई है जब आप फ्राइड मोमोज़ यानी कि फ्राई करके उसके बाद में सॉसेस वाले मोमोज़ बनाएंगे तो उसमें आटे में भी आप नमक हल्का रखें और स्टीम्ड मोमोज में आप नॉर्मल नमक रखें आटे में भी अभी हमारी स्टफिंग जो है वो पूरी तरह से रेडी हो गई है तो अब हम मोमोज़ बनाएंगे यहाँ ये आटा ले लिया है मैंने और इसे छोटा बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से हमें पेड़े बनाने हैं हल्का सा आप इसमें यहाँ पे ऑयल लगा सकते हो जिससे बेलने में इजी हो जाएगा और इसके बाद में इसमें चारों तरफ ये आ, पानी लगा देंगे इसमें बहुत पतला बेलना है इसे और इसमें फिर स्टफिंग को इस तरह से रख देंगे इसके बाद में ये हल्की हल्की सी ये प्लीट्स डाल रहे हैं ये इस तरह से इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे, इस तरह से मोड़ते जाएंगे इसको जैसे यहाँ मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको इसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद में हल्का सा इसे घुमा देंगे और जो एक्स्ट्रा ऊपर ये आ रहा है मैदा है इसे हम अलग कर देंगे और हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे ऊपर से और ये देखें ये हमारे मोमोज़ जो हैं वो रेडी हो गए हैं इसी तरह से सारे मोमोज़ को बना लेंगे अब इन मोमोज़ को यहाँ पे मैंने अच्छे से तेल को गर्म कर लिया था और इसमें ये फ्राई कर रही हूँ मैं और एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसे पलट देंगे इस तरह से और दूसरी तरफ से भी इसे फ्राई कर लेंगे और ये देखें ये हमारे मोमोज जो हैं वो फ्राई हो गए हैं अब इन मोमोज को किसी भी सर्विंग प्लेट में आप निकाल के सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं अब इन्हीं फ्राइड मोमो से मैं मंचूरियन फ्लेवर्ड मोमोज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अब मंचूरियन सॉस बनाने के लिए मैंने गार्लिक लिया है कॉर्नफ्लावर लिया है चिली सॉस ली है सोया सॉस ली है और ये एक बोल लिया है खाली और अब इस बोल में मैं यहाँ पे वन टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और इसमें पानी मिक्स किया है एक डाइल्यूट सा हमें इसमें मिक्सर बनाना है इसमें पानी थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है देखिए आप बहुत ही डाइल्यूट सा है और इसमें ये सोया सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ यहाँ ये देखिए मैंने इसमें टू टी सोया सॉस इसमें ऐड किया यानी कि वन टी टी एस पी मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लवर लिया है और टू टी एस पी यहाँ पे मैंने सोया सॉस लिया और इसके बाद में ये चिली सॉस ली है इसे मैंने वन टी एस पी यहाँ पर लिया है और इन सारे मिक्सचर को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब ये मेरी सॉस जो है वो रेडी हो गई है अब यहाँ पे एक खाली पैन ले लिया है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें ये गार्लिक कटा हुआ डाल दिया है अब इसे हल्का सा ही सॉटे करने के बाद में सॉस डाल दी है जो हमने अभी बनाई थी और इस सॉस को अब हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे और ये जब थिक हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे थिक हो गई है अब इसमें फ्राइड करे हुए मोमोज जो हमने पहले बनाए थे उसे डाल देंगे यहाँ सॉस की क्वांटिटी जो है वो आपके मोमोज के अकॉर्डिंग होगी यानी कि जितने मोमोज हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉस बनाएं मैंने यहाँ सिर्फ आपको रेशियो बताया है ये सॉस जितनी मैंने आपको बताई थी ये छः से सात मोमोज के लिए सफिशेंट है अब इन मोमोज को ये सॉस में डालने के बाद में अच्छी तरह से इसे कोट कर देंगे और ये लीजिए हमारे मंचूरियन फ्लेवर्ड मोमोज बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए अब हम बनाएंगे शेजवान मोमोज इसके लिए यहाँ मैंने टोमेटो केचप ली है स्वीट चिली सॉस ली है शेजवान स्टर फ्राई सॉस ली है और गार्लिक लिया है शेजवान मोमोज बनाने के लिए यहाँ मैंने हल्का सा ऑयल ले लिया है पैन में और इसमें ये गार्लिक डाल दिया है थोड़ा सा और हल्का सा गार्लिक को सॉटे करा है अब इसके बाद में इसमें टोमेटो सॉस मैंने डाल दी है यहाँ मैंने टू टेबल स्पून टमाटो सॉस डाली है और जितनी टोमेटो सॉस मैंने यहाँ पर डाली है उतनी ही ये शेज़वान सॉस भी इसमें डालनी है यानी कि वन इज टू वन का इसमें रेशियो रखा है और इसके बाद में इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से और इसमें अब जो हमारे फ्राइड मोमोज थे उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है आपके जितने मोमोज हों उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो सॉसेस ले सकते हो और इसको अच्छे से कोट कर देंगे और ये देखेंगे कितने अच्छे से कोट हो गए हैं अब ये जब कोट हो जाएं, तो इसके बाद में अब इसमें मैं ये हनी चिली सॉस जो है या जिसे स्वीट चिली सॉस भी कहते हैं उसे यहाँ पे मैंने वन टेबल स्पून के अराउंड डाल दिया है एक चीज़ यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आप जब इसका आटा गूँधें मोमोज़ का जैसा कि मैंने बताया था तो उसमें नमक कम ही डालें क्योंकि हमारी स्टफिंग में भी नमक होगा सॉसेस में भी नमक होगा तो उसमें बहुत हल्का ही नमक रखें और ये लीजिए हमारे शेजवान मोमोज बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं स्टीम्ड मोमोज बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है उसमें थोड़ा सा पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए और एक स्टैंड रख दिया है ये इस तरह से और इसके बाद में एक प्लेट ले ली है कोई भी स्टील की आप प्लेट ले सकते हो अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें स्टीम दे सकते हो मोमोज को नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो यहां मैंने इस प्लेट पे ऑयल लगा के इसमें ये मोमोज को रख दिया है और इसके बाद में जो हमारा पानी हमने बॉईल करने रखा था उस स्टैंड पे इस प्लेट को मैंने रख दिया है और रखने के बाद में इसको लिड लगा दिया है करीब दस मिनट तक हमें इसे स्टीम में पकाना है 10 मिनट हो चुके हैं ये मैंने खोला है ये हमारे मोमोज जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी अगर आप स्टीम्ड मोमोज बना रहे हो तो आटा गूंजते समय आप वो ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है और जितना पतला आप पेलेंगे मोमोज को उतने ही अच्छे आपके मोमोज बनेंगे अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें